फ्रेंड्स, कुछ बातें किचन की आपके साथ शेयर करने का मन हो रहा था। हम लोग गाजर का हलवा बनाते हैं। आजकल सर्दी आ रही है, गाजर का हलवा बनाते हैं। गाजर का हलवा जो कि मैंने YouTube में रेसिपी डाली है, वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ही इंस्टेंट गाजर का हलवा बनाना है, तो जो उसका जो तरीका है वो हम इस तरह से कर सकते हैं। बाजार से हम मावा खरीद सकते हैं। बाजार से मावा खरीदा, मावा भी नहीं खरीदना। कई बार क्या होता है, मावे की बर्फी पड़ी है घर में, तो मावे की बर्फी पड़ी है तो आप ऐसा कीजिए, मावे की बर्फी को ग्रेट कर लीजिए, या मावा है तो उसको ग्रेट कर लीजिए। पाव भर मावा में आप लगभग 2 किलो या 3 किलो गाजर ऐड कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप 2 किलो ऐड कीजिए या आप 3 किलो ऐड कीजिए। गाजर को अच्छे से ग्रेट करके और उसको बिल्कुल छोटे टेबलस्पून आप कढ़ाई में डाल के घी और उसमें गाजर को अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद ये मावा मिक्स कर लीजिए। मावा मिक्स करने के बाद इसमें आप 1 कप दूध डाल दीजिए और अच्छी तरह से कढ़ाई में मिक्स कीजिए। आप देखेंगे आपका ये जो गाजर पाक बनेगा ये बहुत ही अच्छा बनेगा। जब चीनी डालते हैं, थोड़ी चीनी का पानी सूख जाने पर आप हल्का सा उसमें घी डाल दीजिए और ये गाजर पाक जो आप तैयार करेंगे बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। और इसमें आप छोटी इलायची का दाना डाल दीजिए, आप चाहे तो इसमें थोड़ा बादाम वगैरह डाल दीजिए, आपका बहुत ही जल्दी ये गाजर का हलवा बन जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से और आपका गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। हमने गाजर का हलवा बना लिया, अब हम चाहते हैं कि हम बीटरूट का हलवा भी बनाएं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप बीटरूट का हलवा बना सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा बीटरूट डालेंगे तो हलवे का कलर बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। आप 2 किलो गाजर और उसमें 1/2 किलो बीटरूट डाल दीजिए, बहुत बढ़िया कलर आ जाएगा, बीटरूट का हलवा बन जाएगा। मेन बीटरूट का कलर आ जाएगा, बीटरूट का टेस्ट आएगा। आप 2 किलो गाजर में 1 किलो बीटरूट डालेंगे तब भी चलेगा। तो देखिए फ्रेंड, गाजर का हलवा बन गया, बीटरूट का हलवा बन गया। इसी तरीके से हम लौकी का हलवा बना सकते हैं। लौकी का हलवा भी बहुत ही अच्छा बनता है। लौकी के हलवे में आप थोड़ा सा आइसक्रीम वाला ग्रीन कलर डाल दीजिए तो लौकी का हलवा बहुत ही ज्यादा अच्छा बनता है। जब आप लौकी के हलवे को गार्निश करते हैं उस समय उस पर थोड़ा सा सिल्वर फॉइल, नहीं सिल्वर वर्क बोलेंगे, जिसे सिल्वर फॉइल बोलेंगे, वो लगा दीजिए, वर्क लगा दीजिए, चांदी वाला। चांदी का वर्क आराम से मार्केट में मिल जाता है। चांदी का वर्क जब लगा हुआ होगा तो जो आपका लौकी का हलवा है वो बहुत ही सुंदर भी लगेगा और बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। और मेरे ख्याल से बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं क्योंकि इसका कलर डिफरेंट हो जाता है। और बच्चों के टिफिन में भी आप ये तीनों हलवे डाल सकते हैं, तो बच्चों की टिफिन की रेसिपी भी हो जाती है ये, कि हलवा बना हुआ है, बच्चे के लिए हमने एक छोटा सा पराठा डाला और थोड़ा सा हलवा डाला और बच्चे का टिफिन रेडी हो गया। थैंक यू।